वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर क्लास। बेटा आप लोग चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर चुके हो, कोर्स बुक में, प्रैक्टिस बुक में सारी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। आपका नेक्स्ट है पोएम। आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है? एक पोएम है, और आपकी पोएम का नाम क्या है? चलिए पेज नंबर 85 ओपन कर लीजिए कोर्स बुक पर। पेज नंबर 85 ओपन किया ना। अब देखिए पोएम का नाम क्या है, पोएम का टाइटल क्या है। देखिए पोएम का टाइटल है ट्रेन। ट्रेन सभी बच्चों को पसंद होती है, और पिछले पीरियड में आपको इसी चैप्टर से, आप इसी पोएम से रिलेटेड एक एक्टिविटी दी गई थी। क्या एक्टिविटी थी? वेस्ट मटेरियल से आपको एक ट्रेन बनानी थी। क्या करना था? वेस्ट मटेरियल से आपको एक ट्रेन बनानी थी। तो देखिए हमने भी आपके लिए ट्रेन बनाई है वेस्ट मटेरियल से। आप लोगों ने हमें सेंड किया है, कुछ बच्चों ने किया है, कुछ बच्चों ने नहीं किया है, तो बाकी बच्चे भी सेंड करें। और देखिए हमने आपके लिए बनाई है ट्रेन, कैसे देखिए, वेस्ट मटेरियल से है ना, इसका कॉटन लिया, कॉटन के इधर लगा दिया, तो ये आपके ट्रेन का स्मोक बन गया, ये इंजन हो गया, ये इसके डब्बे हो गए। देखिए व्हील्स भी बना दी हैं, विंडोज हैं, देख रहे हैं विंडोज हैं, और इस साइड देखिए डोर है, डोर भी है ना, है ना। 1 2 3 कितने डिब्बे हैं? 3 डिब्बे की आपकी ये ट्रेन बनी हुई है ना। और ये बेस भी हमने दे दिया रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ जिन बच्चों ने अभी एक्टिविटी नहीं सेंड की है, वो बच्चे भी हमें ये एक्टिविटी सेंड करें बना करके, ठीक है। आपने देखा ट्रेन। अब बारी आती है, आप लोग ट्रेन वाला गेम भी खेलते हो, है ना। सारे बड़े बच्चे एक दूसरे की शर्ट होल्ड करते हैं और राउंड राउंड घूमते हैं, ट्रेन के हॉर्न का साउंड क्रिएट करते हुए ट्रेन बना के खेलते हैं। आप लोग खूब इंजॉय करते हैं। आगे ट्रेन की इमेज दिमाग में गट। अब हम लोग लेट्स बिगिन पे आते हैं। हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय ट्रेन? क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रेवल किया है? डू यू रिमेम्बर व्हाट यू सा? क्या आपको याद है कि आपने क्या देखा जब आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, तो आपने क्या देखा? हाउ द ट्रेन मूव्ड ऑन द साउंड, हाउ द ट्रेन मूव्ड एंड द साउंड्स इट मेड। कैसे ट्रेन मूव करती है, कौन से साउंड क्रिएट करती है। हियर इज अ पोएम दैट टेल्स अस अबाउट द एक्साइटमेंट ऑफ ट्रेन जर्नीज। यहाँ एक आपके लिए पोएम है जो ट्रेन जर्नी के एक्साइटमेंट के बारे में बताती है ना। आप सबने ट्रेन में ट्रेवल किया होगा, तो आप लोग हमें एक वीडियो में ये बना के जरूर रिकॉर्ड करके जरूर बताइएगा कि आपने जब फर्स्ट टाइम ट्रेवल किया तो आपने क्या देखा, आपने ट्रेन की जर्नी करते समय क्या क्या देखा। विंडो से बच्चे देखते हैं, क्या क्या देखा, ठीक है। और आपको कैसी लगी ट्रेन की जर्नी? किसी बच्चे ने लॉन्ग जर्नी की होगी, किसी बच्चे ने थोड़ी सी जर्नी की होगी, लेकिन लगभग सारे बच्चों ने ट्रेन पर ट्रेवल जरूर किया होगा, है ना। तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस हमें वीडियो में जरूर शेयर करना, ठीक। अब हम लोग पोएम अपनी स्टार्ट करते हैं। ओवर द माउंटेन, ओवर द माउंटेन, ओवर द प्लेन, ओवर द रिवर्स, हियर कम्स द ट्रेन। वंस अगेन, ओवर द माउंटेन, ओवर द प्लेन, ओवर द रिवर्स, हियर कम्स द ट्रेन। कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल, bringing their precious loads in without fail. Once again, carrying passengers, carrying mails, bringing their precious loads in without fail. Thousands of freight cars, thousands of freight cars are rushing on through day and darkness, through day and darkness, through dusk and dawn, through dusk and dawn. Over the mountain, over the plain, over the rivers, here come the trains. तो ये रही आपकी poem. इस poem को आप लोग with action एक video read करिए और एक video बनाइए, वो video हमें send करिए, उसमें अपना experience भी बोल के बताइए कि आपने जब train में travel किया, train की journey की, तो आपने क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ से train गई, क्या क्या देखा। वो जैसे कि इसमें बताया है ओवर द माउंटेन, मान लीजिए माउंटेन के ओवर आपने नहीं फील किया होगा, लेकिन प्लेन और रिवर, ओवर द प्लेन एंड ओवर द रिवर, तो आप अगर ये
देखा होगा, तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा कि आपने क्या क्या देखा। अब हम लोग इस पोएम की मीनिंग समझ लेते हैं। ओवर द माउंटेन मतलब पहाड़ों के ऊपर से, ओवर द प्लेन्स मैदानी क्षेत्रों से, ओवर द रिवर्स नदियों के ऊपर से, ये कम सतर्कता ट्रेन जो ट्रेन हमें स्टेशन पर खड़ी दिखती है, ये इन इन जगहों से होकर के आती है। कैरिंग पैसेंजर्स क्या क्या कैरी करती है? कैरिंग पैसेंजर्स पैसेंजर्स कैरी करती हैं, ब्रिंगिंग कैरिंग मेल्स और मेल्स कैरी करती हैं, ब्रिंगिंग दियर प्रीशियस लोड और उनके पब्लिक के बहुत कीमती लोड भी कैरी कर ले आती हैं। इन विदाउट फेल बिना फेल हुए ये सारा वर्क ये ट्रेन करती है। थाउजेंड्स ऑफ फ्राइट कार्स, आपने मालगाड़ी देखी होगी, मालगाड़ी के डिब्बे को क्या बोलते हैं? फ्राइट कार्स बोलते हैं। तो थाउजेंड ऑफ फ्राइट कार्स मतलब बहुत सारे हजारों फ्राइट कार्स होती हैं, ऑल रसिंग ऑन जो धीरे धीरे आती हैं, थ्रू डे एंड डार्कनेस दिन में, दिन के उजाले में और डार्कनेस यानी कि अंधेरे में, थ्रू डस्ट एंड डॉन सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद, हर समय कंटिन्यू आपकी सेवा ये ट्रेन करती हैं, पब्लिक की सेवा करती हैं। ओवर द माउंटेन्स पहाड़ों के ऊपर से, ओवर द प्लेन्स मैदानी क्षेत्रों से, ओवर द रिवर्स नदियों के ऊपर से, हियर कम्स द ट्रेन यहाँ ये ट्रेन स्टेशन पर आती हैं। ठीक है, तो ये आपकी पोएम की मीनिंग हुई। ताकि आप मीनिंग को ध्यान से समझ गए होंगे, मीनिंग समझ लेंगे तभी इसके बाद की एक्सरसाइज आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट पीरियड में आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। अब इस पोएम से रिलेटेड कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, इनको आप अपनी बुक पर अंडरलाइन कर लीजिएगा और अपनी कॉपी पर जरूर लिख लीजिएगा। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि हार्ड वर्ड्स में यही आप हार्ड वर्ड्स लिखें, आपको और भी कोई वर्ड्स अलग से हार्ड लगते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो चलिए हम लोग इनकी रीडिंग कर लेते हैं। फर्स्ट हमने लिखा है माउंटेन। माउंटेन क्या होता है? माउंटेन क्या होता है? पहाड़। प्लेन, प्लेन क्या होता है? मैदानी क्षेत्र। रिवर मतलब नदी। पैसेंजर्स मतलब यात्री। प्रीसियस मतलब कीमती। फ्राइट मतलब मालगाड़ी के जो फ्राइट कार्स डिब्बे होते हैं। आगे कार्स भी ऐड कर लीजिए। थाउजेंड्स का मीनिंग मतलब होता है हजारों। रिमेम्बर मतलब याद रखना। एक्साइटमेंट मतलब सा, फिर ट्रेवल मतलब यात्रा करना। ठीक है, तो ये कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, इनकी मीनिंग भी हमने आपको हिंदी में भी बता दी है। ठीक है, आप लोग ये वर्ड्स हार्ड वर्ड्स अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा और इनका वीडियो बना